आप सब लोगों जैसे में फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। साउंड आ रही है, आरती का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ले रहे हैं भोपाल मशीन की और कुछ क्या कहते हैं इसको, मसाला श्री गणेश मसाला की पार्सल आया हुआ है। बेटी पार्सल आया हुआ है, सैनिटाइज कर कर उधर रखा हुआ है। इधर ऑर्डर ले रही है और अभी टाइम हो रही है 12:30। चलो हम लोग लंच प्रिपरेशन के लिए किचन में जाते हैं। व्यू इस तरह की है, धूप बस बारिश जैसी नहीं, धूप बहुत है। हूँ बारिश देख रहे तो पावन तो बहुत जाती है अभी नहीं सुबह से। ओके इधर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टिंग हार्दिक बेटा है। चलो हमारा क्लिनिक सब कुछ हो गया है और हम जाते हैं लंच प्रिपरेशन के लिए। ओके लाइट नहीं थी इसलिए कपड़ा नहीं धोया है, अभी कपड़ा धोने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। क्या है और इतना सारा कपड़ा है देखो इधर क्या काम कर सब कुछ हो गया। सुबह के ब्रेकफास्ट का सब बर्तन सब क्लीन कर कर रखा हुआ है और लंच प्रिपरेशन के लिए। आज लंच में क्या बनाने हैं मैं सोच रही हूँ, थोड़ी सी चावल बनाती हूँ, चपाती बनाती हूँ और आलू बंगन की परता नहीं होते हैं, आलू बंगन की और भी परवा सब्जी। ओके सब्जी बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, बेसन अच्छे से सेक लिया है, खुशबू आने तक इसे अच्छे से सेक कर रख दिया है। इसमें हम डालेगा सब मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और सब बेसिक मसाला इसमें बढ़ते, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर सब कुछ डालकर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। ओके और इससे अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स सब मसाला और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मसाला को अच्छे से मिक्स कर कर फिर ये आलू और बैंगन में अच्छे से तैयार कर दो। आपको कितना
तिक्की डालना है, स्पाइसी का नहीं, इतना स्पाइसी डाल देना। और इसमें गरम मसाला डालना है तो डालना, मन लोग पसंद नहीं है इस सब्जी में गरम मसाला, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, इसमें इसमें ना लेमन इतना आधी लेमन डालना, आधी नहीं थोड़ी से, एक टी स्पून इतना लेमन ऐड कर देना है। और एक टी स्पून चीनी ऐड कर देना है और फिर अच्छे से इसको फिर से मिलाना है। इसमें मैंने लिया है एक टमाटर, दो हरी मिर्च, 8-10 कलियां लहसुन, उसको हम लोग अच्छे से चॉप कर कर लेती हूँ। चलो इधर आलू और बंगल का स्टफिंग करा पाएंगे। इसी तरह से मैं बनाया बेसन की स्टफिंग, इसमें मैंने रख लिया है। अभी इसको हम लोग तड़का लगाती हूँ अच्छे से, सब्जी बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। कुकर लिया है, चलो कुकर में ऑयल डाल दिया है। आ गया रवि, किधर से मुझे तड़का लगाने के कभी भी नहीं देती है, दौड़ कर आ जाती है, मैं बनाती हूँ। देखो इतना ऑयल डाल दिया है, क्या चाहिए चम्मच, ऑयल गर्म होने के बाद, ऑयल गर्म होने के बाद डालना है राई, जीरा, और टमाटर, और दो आठ दस लिया लहसुन, और दो हरी मिर्च, और एक दालचीनी डाला, दालचीनी डाल दी, और फिर अच्छे से टमाटर होने तक पकाना है अच्छे से। ऑलरेडी इसमें हम लोग सब मसाला डाला हुआ है, सब बेसिक मसाला, फिर भी थोड़ी से नमक कम हो जाते हो तो इसलिए नमक डाल देना, थोड़ी से हल्दी डाल देना, कारण कि टमाटर और लहसुन ये सब कुछ डाल दिया ना इसलिए, और थोड़ी से रेड चिली पाउडर भी डाल देना है। और इतना मसाला बाकी है इसको भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से इसको पकाना है, और फिर पानी ऐड कर देने है। क्या हो गया तभी मुझे हटा कर खाना बनाते हैं ना इसलिए, और फिर इसको डाल दो। चलो हम इसको इसमें डाल देती हूँ, फिर तीन विसल तक हो जाएगा सब्जी अच्छे से टेस्टी और यम्मी
आलू बंगन की फरवास सब्जी आप लोग भी ट्राई कर देख लेना। बेसन की आटा कोई कोई नहीं उपयोग करता है, कोई क्या करता है मूंगफली का भी उपयोग करता है बेसन की, बेसन नहीं डालना है तो मूंगफली भी ऑप्शन में है। ओके जरा हमारा लंच बनकर रेडी हो गया है। लंच में हमने बनाए आलू बंगन की फरवा सब्जी, चावल, चपाती और टोमेटर और ओनियन की ओनियन ऐसे कटिंग करा हुआ है। ये हमारा नेबर से घर से आया हुआ फरवा मिर्ची, ये हमारे नेबर है ना, बहुत टेस्टी बनाती है। हाय हार्दिक, हार्दिक मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इवनिंग टाइम मीन्स रात हो गया है, टाइम हो रही है अभी 8 o'clock। हमारा डिनर प्रिपरेशन हो गया है, डिनर में बना रही है खिचड़ी। दोपहर को तो बहुत ही लंच हो गया था, इसलिए हमने डिनर खिचड़ी बना दिया। और देवी और आरती पूजा करने के लिए गया हुआ है मंदिर में, और मैं हर वैष्णवी हमारे को मेरा दोपहर का सब्जी फरवा आलू भिंडी के सब्जी का रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, लाइक भी कर लेना। और हमारे वीडियो में आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो हमारा कोई भी वीडियो न्यू आएगा तो आप लोग जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी से हमारा सब्जी का रेसिपी देख कर कमेंट करो, और आप लोग इस सब्जी फरवा आलू बंगन की सब्जी कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता दो, और फोटो भी निकले पास सब्जी का नीचे लिंक बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग उधर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग फरवा आलू की बैंगन आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी जल्दी जल्दी बना दो, एक फोटो क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम ऊपर भेज दो, अच्छे रेसिपी भी भेज दो, रेसिपी और फोटो में मेरा वीडियो में डाल दो। ओके जल्दी जल्दी।